नागौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता का माहौल है। मोदी जी ने 5 सालों में जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी काम नहीं किया और न ही देश में काला धन आया है और न ही युवाओं को रोजगार मिला है। कांग्रेस ने आते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। क्या देश में अच्छे दिन आए ही? महंगाई बढ़ती गई, किसान दुखी हुआ, आत्महत्या करता रहा, दाम पूरे फसल के मिलते नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, 72,000 रुपए तो गरीबों को मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। इतना ही फैसला हुआ है कि 6,000 प्रतिमाह मिलेंगे। वो पहले खर्च होगा अपने मार्केट के अंदर, दुकानों पर, कपड़े लेते पे होगा, बच्चों की शिक्षा पे होगा, उनके स्वास्थ्य होगा, उनके खाने पीने होगा, दुकानों पर खर्चा होगा, तो डिमांड बढ़ेगी चीजों की, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश हित में इतना बड़ा फैसला किया गया, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो, इसका अंदर किया गया। तो जैसे पहले भी हमने कहा था कि आप ज्योति बिरला जी को कामयाब करो, उनको आशीर्वाद दो, वो चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और निकाल में भागीदार निभाएंगे। अब इस बार हम सबकी राय से तीसरी बार राहुल गांधी जी ने इनको अवसर दिया है।